भारी बारिश से उपमंडल स्वारघाट के तहत आने वाली ग्राम पंचायत री के गांव पुलाचड़ में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 सड़क धंसने से नीचे बने एक परिवार कृष्ण पाल पुत्र रणवीर सिंह के रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गया। कृष्ण पाल ने बताया कि पुलाचड़ से स्वाहन के लिए जो लिंक रोड जाता है उसका मलबा नेशनल हाईवे पर गिर गया, जिसे पीडब्ल्यूडी ने नहीं उठाया। उसी मलबे की वजह से उसका मकान क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम, नायब तहसीलदार प्यारे लाल व पुलिस भी मौके पर पहुंची। खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों की सहायता से मकान को खाली करवा दिया और आपदा प्रभावित परिवार को प्रशासन की तरफ से तिरपाल आदि उपलब्ध करवा दी गई है और सुरक्षित जगह पर रहने को कहा गया है। एनस्टार न्यूज के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। सुरेंद्र सिंह, हिमाचल होमगार्ड 5वीं वाहिनी बिलासपुर से आपदा प्रबंधन टीम के साथ। हमें सुबह एमएससी थाना स्वारघाट द्वारा सूचित किया गया कि ऐसे ऐसे पुलाचड़ में एक बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है और जिसको कि भारी खतरा है, तो हम अपनी टीम के साथ स्पॉट पर पहुंचे, जहां एएससी अपने नायब तहसीलदार साहब और हमारी टीम सभी ने मौका देखा और हमने उनका सारा सामान जो है अपनी टीम को लगाकर और स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित स्थान पर निकाला है और अभी प्रशासन अपने कार्य में लगा हुआ है।